नमस्कार दोस्तों, राजस्थान राज्य का आखिरी मीटर गेज सेक्शन मावली से मारवाड़ जंक्शन का आमान परिवर्तन कार्य नाथ द्वारा से देवगढ़ के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि जो देवगढ़ से लगा के मारवाड़ जंक्शन का सेक्शन है वह हेरिटेज के रूप में वर्तमान में बरकरार रखा जा रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर पहले चरण में यह कार्य शुरू किया गया है, जो कि नाथ द्वारा से लावा सरदारगढ़ के बीच में चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पुल बनास नदी पर बनाया जा रहा है, बावन कोटा ब्रिज जो पूर्व में बना हुआ है मीटर गेज का। इस पर से यह एक्सक्लूसिव कवरेज आप सभी के लिए दिव्यांश आमेटा जी के सौजन्य से हमें मिली है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ब्रिज बनाने का कार्य है वह अब गति पकड़ रहा है। जो पिलर है उनमें सीमेंट कंक्रीट भरने का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। पिलर का जो शुरुआती बेस है उसके लिए सरियों का जाल यहाँ पर लगा दिया गया है और उस पर ही कंक्रीट की फिलिंग भी की जा रही है। और ये सामने ही आप देख रहे हैं, तकरीबन 14-15 से ज़्यादा पिलरों पर यह कार्य कर दिया गया है और उसके आगे के पिलरों की खुदाई की जा रही है। करीब 30 के आसपास इस विशालकाय ब्रिज में पिलर भविष्य में बनाए जा सकते हैं। और जो अगला वर्ष है वह काफ़ी महत्वपूर्ण इस पूरे सेक्शन के लिए रहेगा, तब जो पूरी परियोजना है नाथ द्वारा से देवगढ़ की, इसके विभिन्न कार्य अपने चरम पर शुरू हो चुके होंगे। तकनीकी जानकारी की बात करें तो नाथ द्वारा से देवगढ़ मदारिया के बीच में कुल 11 स्टेशन आते हैं, नाथ द्वारा और देवगढ़ भी जिसमें शामिल है। 7 बी क्लास और 4 डी क्लास के स्टेशन हैं। यहाँ पर आने वाले समय में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाई जा सके, ऐसा ट्रैक बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण पुल एक आपके सामने बनास नदी का है, जिस पर कार्य चालू हो चुका है। इसके अलावा पूरे सेक्शन में कुल 10 बड़े ब्रिज भी हैं, 191 मध्यम आकार के ब्रिज हैं और रोड ओवर ब्रिज 3 बनाए जाएंगे। वहीं रोड अंडर ब्रिज 63 इस पूरे सेक्शन में बनाए जाएंगे। 4 लेवल क्रॉसिंग भी बरकरार रखे जाएंगे और फुट ओवर ब्रिज विभिन्न स्टेशनों पर 4 बनाए जाएंगे और एक प्लेटफार्म सबवे कोई मेजर स्टेशन, जहां तक लग रहा है कि नाथ द्वारा पर ही यह बनाया जाएगा। और गुड्स साइडिंग 2 स्टेशनों पर बनाई जाएगी, जिसमें से एक लावा सरदारगढ़, एक हमारा जो कांकरोली स्टेशन है वहां पर तैयार की जा रही है। यह ब्रिज के कार्यों की अपडेट आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार समय समय पर प्राप्त होने के पश्चात देख सकते हैं। यह आगे के पिलरों का कार्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। वहीं अर्थवर्क का कार्य भी विभिन्न स्टेशनों पर इस वक्त विभिन्न स्टेजों पर चल रहा है। स्टेशन बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर आदि, प्लेटफार्म निर्माण आदि के लिए वहां पर अभी शुरुआती तौर पर अर्थवर्क संबंधित कार्य किया जा रहा है। वहीं कुछ स्टेशनों पर फिलिंग और जो बेस बनाने नींव डालने का कार्य है स्टाफ क्वार्टर स्टेशन बिल्डिंग का, वह किया जा रहा है। उसकी भी अपडेट हम आपको आने वाले समय में प्राप्त होते ही दिखाएंगे। यहाँ बेजनाल की ओर यह ब्रिज जा रहा है और जो पिलर खुदना शुरू हुए हैं उनका नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह ब्रिज एक ज़माने में रहा है, 1930 के दशक में इसको पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, लेकिन काफ़ी मजबूत यह अभी तक खड़ा हुआ है। तकरीबन 80-85 साल इस सेक्शन को हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण सफ़र इसने अपना कनेक्टिविटी में निभाया है, राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ इलाके को एक ज़माने में मीटर गेज सेक्शन से यह जोड़ता था और अब भविष्य की दृष्टि से इसको अलविदा हम सभी लोग आने वाले समय में कहने वाले हैं। लेकिन जो नया पुल बनाया जा रहा है वह भी काफ़ी भव्य रहेगा और रेलवे इस ब्रिज को शायद डिसमेंटल नहीं कर रही है, इसको ऐसे ही रख सकती है, जैसा कि उसने उदयपुर अहमदाबाद वाले रूट में कुछ ब्रिजेस को छोड़ा है। हो सकता है इसको भी ऐसा ही छोड़ सकते हैं, खैर यह उनका आपसी सोचने का नज़रिया हो सकता है।
और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जो लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ का सेक्शन है उसका जो टेंडर है उस पर भी कार्य जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह सेक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह भी राजस्थान सरकार और रेलवे विभाग के द्वारा पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि कुछ जगहों पर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता, ट्रैक बिछाने, प्लेटफार्म का और स्टेशन का विस्तार करने के लिए आवश्यक है, इस वजह से वह प्रक्रिया भी दूसरी तरफ चल रही है। और इस क्षेत्र में ज़्यादा बड़े हाईवे या रोड ना होने की वजह से जो ज़मीन का मुआवजा है वह भी सामान्य दर पर ही गाइडलाइन से 4 गुना अधिक क्षेत्रवासियों को जिनकी ज़मीनें इस परियोजना में जा रही हैं उन्हें प्राप्त होगा। कई बार ऐसा लगता है कि किसी परियोजना में या किसी क्षेत्र में ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है तो वह जो सड़क मार्ग या हाईवे के आसपास स्थित होने की वजह से ज़मीनों की कीमत गाइडलाइन में अधिक आती है, उसी के कारण से उन ज़मीनों का आकलन अधिक राशि से किया जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र या फिर दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आसपास कोई सड़क या नगरीय इलाका नहीं होता है वहाँ पर गाइडलाइन का रेट कम होता है, इसलिए वहाँ पर कम मुआवजा रेलवे के द्वारा दिया जाता है। और यह ब्रिज के दूसरे छोर बेजनाल तरफ का नज़ारा आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पुल खत्म हो जाता है। वहीं आप राइट साइड में देख सकते हैं कि अर्थवर्क का कार्य यहाँ पर पुल के कनेक्टिंग एरिया के लिए किया जाने लगा है और ऐसा ही दूसरी तरफ भी हो रहा है। लंबे समय से यह प्रोजेक्ट जो था पेंडिंग में चल रहा था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसके कार्य ट्रेनों को बंद करने के पश्चात में तेज़ गति से किए जा सकेंगे। हालांकि उसके लिए अभी रेलवे के द्वारा कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक वे लोग यह जो ट्रेनों को ब्लॉक देंगे, लेकिन अगले वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण इस पूरे कार्य के लिए हो जाता है, जब जैसा कि हमने बताया सभी कार्य पूरे सेक्शन में देवगढ़ तक के शुरू हो जाएंगे और उसके आसपास ही जो आगे का सेक्शन बनाया जाना है बाहर से बनेगा या हरिपुर से होके बनेगा वह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वह परियोजना जो है वह सेंक्शन नहीं है, इसलिए उसी का जो इंतज़ार किया जा रहा है। और यह ब्रिज के ऊपर लगाने के लिए जो सीमेंट की स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसकी तैयारियां यहां पर की जा रही है, जो बेस कंप्लीट होने के पश्चात में यह जो स्ट्रक्चर है ऊपर रखा जाएगा और इस पर ही ब्रॉडगेज का ट्रैक डलेगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट बावनकोटा ब्रिज बनास नदी से आप सभी के सामने हमने दिखाई। पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।